काले हैं इधर देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लड का रुई और ब्लड सैंपल के लिए दे दिए हैं तो आधा के जी देते हैं। यूट्यूब में डाल ही ना भैया। जय जोहर सोमवारी हो आप सब मन के फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज यार थोड़ा चेंज करे हो मतलब चेंज करे हैं फ्रेंड्स की क्या बोलते हैं जैसे कि गाइस गुड मॉर्निंग फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है उसको हम हटाया कि थोड़ा मतलब मुझे भी अच्छा से नहीं लग रहा था क्योंकि बोला जा तो मुझे अच्छा ये लगा कि जय जोहर ये अच्छा है कि नहीं। तो चलिए फिलहाल जय जोहार फिर से एक बार आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं फ्रेंड्स आज हॉस्पिटल जा रहे हैं दीदी है एडमिट उनके लिए कुछ कुछ ले जाना है सामान तो हम जा रहे हैं सीधा हॉस्पिटल धमतरी। अभी फिलहाल तो हो गए हैं रेडी हम निकलने के लिए और उससे पहले सोचे कि चलिए ब्लॉग को कर देते हैं स्टार्ट। इधर माँ तो मस्त आराम से बैठ के खा रही है रोटी फिलहाल तो चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स धमतरी सीधा आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। अभी चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। है फ्रेंड्स तो फाइनली हम तो निकल गए हैं जाने के लिए यार लेकिन एक बंदे का वेट कर रहे हैं अभी तक साला नहा ही रहा है दिमाग खराब ये देख सकते उधर नहा रहा है पता नहीं कितना टाइम तक नहाएगा। तो फिलहाल हम तो रेडी होके आ गए हैं अब बस निकलना है तुरंत जाके हॉस्पिटल से वापस आना है। दीदी लोग तो चले गए हैं कल नाइट से और हम ही लोग मतलब हमें ही जाना है छोड़ के आना है सामान को। फ्रेंड फाइनली निकल गए हैं देख सकते इतना सारा सामान ड्यूटी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं भांजू को छोड़े हम इधर आंगनबाड़ी में और हम लोग सीधा जा रहे हैं फ्रेंड्स धमतरी दीदी का सामान वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ना है। तो चलिए तो हम निकल गए हैं भाई जाने के लिए रोड पे हैं और सीधा धमतरी जा रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल सामान छोड़ना है हमें। और वो भाई देख सकते हो गिरा था पीछे जो है पूरा पत्थर गिर गया था अभी चल रहा है लेकिन गाड़ी पूरा तरह से साफ नहीं किए हैं आधा चल रहा है। फ्रेंड्स तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पठार पे और अभी रुके हैं फ्रेंड्स क्योंकि यार थोड़ा हाथ पैर अब दर्द करने लग गया देख सकते हैं इतना सारा सामान पकड़े हैं नीचे बैग भी है तो हाथ पैर पूरा दर्द करने लग गया इसलिए हम रुके हैं थोड़ा रेस्ट के लिए। और भाई क्या ही बताएं फ्रेंड्स पठार का देख सकते हो यहाँ पे होता है मेला जो पीछे दिख रहा होगा आपको राजा राव पठार यहाँ पे मेला होता है तो यहीं पे हम लोग रुके हैं देख सकते हो रोड यहीं पे मेला होता है तो थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं हाथ पैर पूरा दर्द कर रहा है क्योंकि एकदम से बैठ के आया तो हालत ख़राब फिलहाल अभी रुके हैं थोड़ा रेस्ट के लिए उसके बाद जाएँगे। अंदर ही पता नहीं फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है आधा मतलब रास्ता पार हो गए मान के चलो आधा बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं यार सीधा थोड़ा रेस्ट तो हो गया इधर भाई भी हो गया रेडी वो भी बांध रहा है तो चलिए सीधा चलते हैं सीधा अब जाके तुरंत छोड़ना भी है बैग को दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ तो चलिए सीधा चलते हैं। ए फ्रेंड्स तो ये है यार जगतरा का मंदिर ये देख सकते हो ये है जगतरा मंदिर फिलहाल हम पहुँचे हैं जगतरा। फ्रेंड्स तो फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल भाई के साथ इधर बुआ आई है लेने के लिए चल 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 तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर जी रे भाई देख सकते हो फ्रेंड्स आ रहे हैं
है इधर है टीवी रेडमेड। फ्रेंड्स तो हम आए थे यार खाना लेने के लिए, भैया ले रहे हैं उधर खाना, और खाना ले लिए, पैसा दे रहे हैं। खाना लेने के लिए आए थे, बात किए हैं ऐसे, खाना वाना मिलता है तो फिलहाल खाना तो ले लिए अपन, और हॉस्पिटल वहाँ पास है फ्रेंड्स, दिखता होगा थोड़ा से दूर है यहाँ से, और फिलहाल हम तो आके खाना ले लिए और सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल खाना ले के। खाना सुबह से अपन करीब ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, अपन डोनेट करने जा रहे हैं, मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ पहली बार, जा रहे हैं सीधा, चलिए चलते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। दीदी को चाहिए ब्लड, ब्लड डोनेट करने, ब्लड डोनेट करने के लिए चला है अपना नाम अभी के भाई, चेकिंग वेकिंग ब्लड डोनेट करने आए हैं, तो भाई भी आया साथ में, कौन कराना है कभी करा लेना भाई। तो चलिए फ्रेंड्स तभी नाम आएगा हमारा, देखते हैं कितना टाइम आएगा। तो बैठे हैं अभी, रिसेप्शन दे दिए नाम, सैंपल के लिए हम दे दिए ब्लड, ले गए भाई हमारा नाम निकालते हैं आपको ब्लड ब्लड। ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहा होगा बीच में डॉट टाइप का, ये यहाँ से ब्लड निकाले हैं, इधर देख सकते हो हमारे पास ये ब्लड का रुई, और ब्लड सैंपल के लिए दे दिए हैं चेकिंग के लिए, अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद, वेट करना पड़ेगा। है फ्रेंड्स तो फाइनली हमें यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, दीदी का तो मतलब ब्लड चाहिए तो दे दिए हैं सैंपल के लिए ब्लड, तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम तक आता है, कितना टाइम तक बताएंगे, तो अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं अभी यहीं पर है, उसके बाद ब्लड हमें देना है और उसके बाद सीधा हम जाएंगे घर। तो भैया लोग तो अंदर हैं बैठे हैं, मैं निकला हूँ बाहर हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ वीडियो अपलोड, वो हो नहीं रहा है अंदर में, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि सब पूरा बंद है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या का है बाकी, इसलिए मैं बाहर में निकला हूँ। ठीक है हाँ तो भिगा देना फ्रेंड्स, देख सकते हो भाई बारिश का तैयार क्या ही कहना, बारिश अच्छे से हो रखा है फ्रेंड्स, अभी भी बारिश हो ही रहा है कंटिन्यू, और हमारा हो गया इधर से मिल गया ब्लड, देख सकते हो भैया पकड़े हैं थैले से, और लेकिन बारिश यार हॉस्पिटल तक जाने के लिए टाइम नहीं दे रहा है फ्रेंड, बारिश अच्छे से हो रहा है इधर देख सकते हो, पूरा खतरनाक अभी भी बारिश हो ही रहा है, बहुत टाइम से हो गया फ्रेंड, आधा समथिंग पौन घंटा हो गया बारिश हो रहा है कंटिन्यू, और क्या ही फ्रेंड्स देख सकते हो मौसम कैसे क्या ही हो रखा है, पता नहीं यार बारिश कितना टाइम छोड़ेगा, बारिश हो रहा है ऐसी पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी में देखो कैसा है कितना बारिश हो रहा है। है फ्रेंड्स तो फाइनली हम निकल गए धमतरी से घर जाने के लिए, और गाड़ी को बीच में खड़े कर दिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और हम लेने जा रहे हैं फल्ली, फल्ली खाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जा रहे हैं हाँ। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स फल्ली लेने के लिए, देखते हैं, देख सकते हैं बारिश अच्छे से हुआ है यार, दिखते हुए मेरे कपड़ा तो ख़राब हो गया वाइट वाला पूरा, और चलिए फल्ली लेते हैं क्या क्या है कैसा है देखते हैं। फल्ली कैसे लगा भैया? 20 पाव बोलेगा, 20 पाव 20 रुपीज़ देना, आधा के जी दे, चिक देखो चिकलन भाई चिकले बड़े भैया, तो आधा के जी देते हैं। यूट्यूब में डाल ही ना भैया, ओ हो 20 रुपया के 40 इधर जब मैं पीछे जब मैं पैसा निकाल तो बस हो गया, ये ला नहीं इसमें लगा दो, ओला नहीं बे रहन दे, अच्छा चीज भाई हो तो बस आओ लापल है कट पोकट, नहीं 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 लगे, ओला नहीं खाना दो, सिंघाड़ा सिंघाड़ा बोलते हैं का सिंघाड़ा, यस। तो चलिए फ्रेंड्स ले लिए फाइनली फल्ली, अब सीधा चलना है घर, देवा गाड़ी चलाए भाई मैं नहीं चला, कैसे बात करते पकड़। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, कहाँ से हो भैया, यहीं से शाम लोकल यहीं खतुली का, अच्छा खतुली, चलो ठीक, खुद का खेती है भाई, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक भैया, चलो बड़े सेव भी, सेव भी खुद का है, खुद उगाते हैं हम, अरे बढ़िया भैया,
चलो ठीक ठीक चल यार। पानी का गिरी सभी बहुत गिरी, एक घंटे गिरी। अरे बहुत ज्यादा मन दमतरी में रहन का फंसे। चल पकड़ना भाई। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम फाइनली बाइक को वहाँ पास छोड़ के आए थे लेने हैं पल्ली लेने करके। और भैया बोल रहे हैं खुद खेती करते हैं यार, क्या ही अच्छा ही है यार, बढ़िया है। पल्ली प्लस सिंघाड़ा और क्या है सेब का, खुद का खेती करते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे चलना है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश हुआ है तो भाई मेरा कपड़ा तो ख़राब हो रहा है क्योंकि इधर उधर से छींटा आ रहा है, क्या ही बोले यार। देख सकते हो भाई गाड़ी बंद, गाड़ी वालों का तो क्या ही कहना पूरे। है गाइस गुड इवनिंग। तो यार हम आ रहे हैं अभी फ़िलहाल धमतरी से वापस, और आते आते हम रुके हैं फ्रेंड्स मैदान में। ये देख सकते हो मैदान क्या ही लग रखा है, और यहाँ ये है बिल्डिंग। यहीं पास रुके हैं फ्रेंड्स हम किनारे पे, थोड़ा थोड़ा देर रुके हैं फिर जाएंगे। ये तो पूरा फल्ली देख सकते हो फ्रेंड, आधा के जी लिए थे धमतरी में, यहाँ तक आते आते पूरा ख़त्म कर लिए, इतना खा रहा है कि पूछो ही मत। और मुझे छिल छिल के दो बोलने से क्या बोलता है, मैं छील के देता हूँ तो मैं खुद नहीं खा पाता, ले ऐसा है भाई। और बाइक तो फिलहाल मैं ही चला रहा था, ये बैठा था फिर भी पता नहीं है, ओ भाई क्या ही बताएं। तो चल देख सकते फिर मौसम कैसा हो रखा है आज। तो और हम अभी ये मैदान पे पहुँचे हैं, अभी सीधा यहाँ से थोड़ा दूर और है, पहले देखते हैं नानी घर जाने का होगा कि नहीं होगा, पहले वहीं जाएंगे उसके बाद सीधा घर जाएंगे। हे फ्रेंड्स तो अभी हम पहुँचे हैं यार घर, वापस जा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी भी रास्ते में है। तो देख सकते मौसम कैसा हो रखा है यार, बारिश इधर तो देख सकते हो ये पूरा कोहरा क्या ही लग रहा है फ्रेंड्स, पूरा सब देख सकते हो कोहरा कोहरा क्या ही लग रहा है। ओ भाई देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे चलना चलना का मस्त तो लग रहा है फ्रेंड, नाइट हो गया और लखनपुरी वैष्णो माता का मंदिर क्या ही लग रहा है फ्रेंड्स। तो फाइनली हम पहुँच गए लखनपुरी, और देख सकते एक बार और। तो चलिए फिलहाल अभी पहुँच गए फ्रेंड हम लखनपुरी, जा रहे हैं सीधा घर, चलिए चलते हैं। है गाइस तो फाइनली हम आ गए हैं घर, और वहाँ पता नहीं कहीं से देख ली है भालू वाला केस हुआ है फ्रेंड्स हमारे गाँव में, कहाँ हुआ है तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है शायद, मतलब किसी को किसके ऊपर हमला कर दिए मतलब भालू। तो देखिए वो मान ने मतलब व्हाट्सएप में तो डर गई है, तो मत जाना कहीं मत जाना ऐसा बोल रही। फिलहाल मैं अभी जस्ट पहुंचा फ्रेंड्स धमतरी से घर, तो चलिए कपड़ा वपड़ा चेंज करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। है फ्रेंड्स तो फाइनली यार क्या ही बताएं फ्रेंड्स, हमारे घर टीवी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो ये देख सकते हो इसको, ये देख सकते हो फ्रेंड्स अब आया, ठोकना पड़ता है तब आता है, क्या ही बताएं, खराब हो गया फ्रेंड टीवी भी, और माँ तो पूरा डर गई है क्या ही बताएं उनका। है गाइस तो फाइनली मैं कर रहा था यार काम, और दिखाते हैं आपको क्या काम कर रहा था फ्रेंड्स मैं, क्योंकि भालू भालू बहुत शिकायत आ रहे थे यार। मैं जला रहा था लाइट यहाँ हमारी गली पे, तो दिखाते हैं आपको हम कैसे जलाए हैं लाइट, और देख सकते हैं पूरा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा लाइट पूरा फैला हुआ है यहाँ पे इधर। ओ भाई ये देख सकते हैं, हम दिखाते हैं आप, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डाले हैं हम ऊपर में हाइलोजन, पूरा सब साइड लाइट आए करके, तो फाइनली अब डाले हैं फ्रेंड्स, अब दिक्कत नहीं है यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था इधर आने जाने में चलने में। फिलहाल अभी तो डाल लिए हैं लाइट, इसी को हम लगा रहे थे फ्रेंड्स ऊपर में डाले हैं, देख सकते हो इधर कोई भेज करे उसने भेज के कहा है। ए भाचा ए भाचा जी भाचा ओ ले 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 ले। ए भाचा ए भाचा कहते हो आखिर भाचा का करना भाचा ए भाचा। तो जय जोहार संगवारी हो, फाइनली रात हो गई है और मैं सो के रहे हैं यार, मुझे याद नहीं इसकी वीडियो इन करना है, फिर भी मतलब पता है मतलब सो रहे हूँ लेकिन फिर भी ना मतलब सो तो गए रहे हूँ लेट गए रहे हूँ लेकिन फिर भी मन में इसे लिए मतलब नींद नहीं आ रही, मैं लेट तो बहुत टाइम से गया था लेकिन नींद नहीं आ रही भाई बहुत टाइम से, तो मैं सोचूं क्या हो गया कुछ तो अधूरा है, तो मैं फाइनली वीडियो को
एंड करना भूल गया था फ्रेंड्स, इसलिए पता नहीं नींद ही नहीं आ रहा था, माइंड जा ही नहीं था नींद साइड, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मैं भूल गया था कि वीडियो को एंड भी करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स आज तो यार दिन पूरा हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि हम हॉस्पिटल से दिन भर 10 बजे से सीधा 4-5 बजे तक तो वहीं थे, शाम को 6-6:30 बजे पहुँचे हैं घर। उसके बाद तो मैं लाइट वाइट फिट कर रहा था, क्योंकि भालू का शिकायत है फ्रेंड। हमारे बगल वाले गांव में एक जन बच्चे का, 8 साल का बच्चे का आँख पूरा निकाल दिया, क्या ही बताएं, खतरनाक। मैं आपको अगर वीडियो मिलेगा तो, वीडियो नहीं फोटो मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, फोटो है अवेलेबल है। तो बगल वाले गांव में पूरा भालू ना आँख को निकाल दिया छोटे से बच्चे का। तो पता नहीं यार बच्चा का क्या हुआ, उतना तो खबर नहीं है फिलहाल। तो इसलिए भाई थोड़ा माँ चिल्ला रही थी कि कहीं मत जाओ घूमने, कहीं मत जाओ नाइट में घूमने करके, तो इसलिए मैं कहीं नहीं गया। लेकिन बहुत टाइम का लेटा था, नींद नहीं आ रहा था यार, सबसे बड़ी दिक्कत, वीडियो को एंड नहीं किया था क्योंकि। तो चलिए फाइनली वीडियो को कर देते हैं एंड। आई होप ये वीडियो को पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड। तो मिलते हैं आपको जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।